बहुत बार आपकी खुद की लाइफ में आपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन वर्किंग के बारे में सुना है? आपकी लाइफ का कौन सा करियर रहेगा, आप किस फील्ड में जा सकते हैं, आपके पास कौन सी एबिलिटी है, ये डिसाइड करता है कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट ज़्यादा एक्टिव है। बायोलॉजिकली आपके दोनों पार्ट ही एक्टिव रहते हैं, बट देर आर सम पीपल हु हैव गॉट देयर राइट ब्रेन मोर एक्टिव देन अ लेफ्ट ब्रेन। सर, राइट ब्रेन हमेशा हमेशा उन लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है जो बहुत सारे लॉजिक्स की बात करते हैं, जो कैलकुलेशंस की बात करते हैं, जो फाइनेंस की बात करते हैं, जिनको हर चीज़ में कहीं ना कहीं कोई लॉजिक चाहिए, कोई आउटपुट चाहिए। एंड लेफ्ट ब्रेन उन लोगों का एक्टिव होता है जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, जो इमेजिनेटिव होते हैं, जो अपनी कल्पनाओं के थ्रू बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं। तो जो बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, जो बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं, उन सबका लेफ्ट ब्रेन थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू राइट ब्रेन। अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू आर डूइंग सीए, इफ़ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग और इफ़ यू आर इनटू एनी काइंड ऑफ अ लॉजिकल प्रोफेशन, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, तो कहीं ना कहीं आपका राइट ब्रेन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और सर, अगर व्हाट इफ की वी विल हैव अ टेस्ट कि हमारा कौन सा ब्रेन स्ट्रॉन्ग है, मतलब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, देयर आर मेनी साइकोलॉजिकल टेस्ट, देयर आर मेनी इंटेलिजेंस टेस्ट ओवर दैट, और इफ़ यू गेट टू नो कि आपका लेफ्ट ब्रेन स्ट्रॉन्ग है राइट ब्रेन से, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत या तो अपना नेचर ऑफ वर्क चेंज करना पड़ेगा, या उस वर्क के अंदर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप उस वर्क को एंजॉय कर पाए, बिकॉज दिस इज समथिंग बायोलॉजिकल यू हैव। हाँ, देर आर टेक्निक्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ योर लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन और टू मेंटेन अ बैलेंस, और उस सारी टेक्निक्स के लिए मैं एक पूरा वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक के लिए ये एनालाइज करें कि आपका लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग है कि राइट ब्रेन, और वाकई में अगर आपका लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, आप थोड़े से क्रिएटिव हो, तो डोंट वरी ऑन दैट। अपने पेरेंट्स से कहिए, अपने कलीग से कहिए, बॉस आई एम फ्रॉम सम अदर फील्ड एंड आई विल गेट इनटू इट। इफ़ यू आस्क अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री, देन आप उसके पोटेंशियल को रॉन्गली जज कर रहे हो। थैंक यू सो मच।